हर पॉलिसी से तुसी थोड़िया किनिया जड़िया पॉलिसी सी वो स्टे हो गई हैं, हाई कोर्ट ने थोड़े खिलाफ ऑर्डर करते हैं। अज इस तरह की कहानी आ गई है कि माइनिंग माफिया वाले डीसी की कार नू टक्कर मारते फिरते हैं, बैन होने के बावजूद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी माइनिंग चल रही है। और पहली बार ही होया पंजाब का गवर्नर बॉर्डर से घूम रहा है, फर्स्ट टाइम। ये कोई गवर्नरी राज नहीं है, किते ना किते एक सरकार की नलायकी है। तो हुण कह दिता गया चीमा साहब नूं उत्तों इशारा होया कि जाओ भाई, वो बेचारे मेरे अर्गे भले मानस दोनों आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करन। एक कही जावे सत्त अठ एम एल, एक कही जावे सत्त है, एक कही जावे अठ है। उन्होंने कहा साढ़े सत्त अठ एम एल ए नूं पैसे देन दी कोशिश की जा रही है, तो 25 करोड़ रुपए के हिसाब नाल पैसा देन दी उन्होंने गल कही। बेचारी पंजाब की जनता भोली भाली सोच रही है कि यार कमाल है। उन्होंने फिगर भी दसती, फिगर की दसी, वो कहते भी 1375 करोड़ रुपया पंजाब च आ गया, पंजाब च पिया है। जबकि अगर 7-8 MLA खरीदने हैं तो मेरा ख्याल 225 करोड़ रुपया चाहिए। मेरा कोई मैथेमैटिक्स का मैं कोई स्टूडेंट तो नहीं है, पर मैनू लगता जोड़ इन्ना कौंदा होगा 7-8 MLA से। तो जे सरकार नू सरकार डिगनी है तो 9-8 MLA की घट्टो घट जरूरत है, जे 2 BJP दे लाइए ते 9-8 MLA ते, क्योंकि होमवर्क भी पूरा नहीं किया, पढ़े पढ़ाए बेचारे आए उत्तों भेजता कि तुसी बोलना है। हालांकि चीमा साहब फाइनांस मिनिस्टर है, जे इन्ने 100 करोड़ का ही फर्क पाता तो फाइनांस वाला तो कम चलिया पै, पहले ही हालात इन्ने माड़े है, फाइनांस किवें चलूगा। 9-8 MLA जे खरीदना है तो जिहड़ा साडा हिसाब है असी लाया है। कल उते मैं ते अर्शदीप ने, हालांकि फाइनांस मिनिस्टर है नहीं साढ़े चो कोई, ये 1425 करोड़ रुपया बनता है, ये 1375 नहीं बनता। वो अगर हाँ डिस्काउंट दिता हो सकता, हाँ ये हो सकता भी कुछ MLA डिस्काउंट हो गए। सो पैकेज पैकेज थोड़ी गल मान लेने, पर हिसाब भी पूरा नहीं आया यार। ये इतों साबित होंदा है, सिद्ध होंदा है कि ये स्क्रिप्ट लिखी गई, ये स्टोरी लिखी गई, तो स्टोरी के रूप के इन्हां कोल आ गई। वो बेचारियां ने मेरे अर्गियां ने जिवें आ मैनूं हुण लिख के दिते आ पॉइंट, हुण जे मैं पॉइंट वाइज बोलूँगा तो शायद मैं हिसाब किताब नहीं कर सकता। वो बेचारे 7-8 कह गए, 1375 करोड़ रुपया कह गए, वो सारा उवें जिवें उन्होंने कहा सी बोल गए। हालांकि भगवंत मान जी कहिंदे साढ़े 10 MLA, ये कहिंदे 7-8 MLA। केजरीवाल साहब हैं जी हुण 35 हो गए, केजरीवाल साहब कहिंदे 10 MLA, ये हुण 35 ते आ गए होने। सो मैनू जिहड़ा अंदरों इन्होंने जिहड़ा डर सता रहा है, वो इन्हां नूं ये डर सता रहा है कि अंदर ही अंदर पार्टी के अंदर बड़ी वड्डी मुखालफत हो रही है। कोई इन्हां नूं पोचिंग नहीं हो रही, पोचिंग बंदा उत्थे करता जिथे कोई आप दे कोई 10-12-15-20-30 बंदे आप दे MLA होन, 2 MLA। और तीसरी गल यार, ये अपने आप रिश्वत देने की गल है, तुहानू रिश्वत ऑफर होगी दिल्ली च, तां थोड़ी बई तुसी कह दिंदे हो, फिर थोनू सवाल करना, तुसी कहना सी पुलिस साढ़े अंडर नहीं है, इत्थे तां पुलिस थोड़े कोले है। पहला सुन लो, DGP कोल तां गए सी, वह क्यों गए सी, वह केवल मीडिया ते विखाउण वास्ते DGP कोल गए है। अगर परचा देना इत्थे पुलिस थोड़ी है, DG थोड़ा है। राजे वड़िंग नूं कोई पुछण आया भी जिहड़ा कागज़ तैयार किया, काका दस भी ये कागज़ तेरा, मेरे तो पहला कई लोगों ने आपदे अकाउंट्स ते पाती सी वह चिट्ठी जिहदे ते साइन सीगे केजरीवाल साहब दे, मरे मुकरे दा तां कोई इलाज नहीं। तुसी मेरी इनक्वायरी बिठाओ यार, मैं PCC कांग्रेस पार्टी का प्रधान है, मैं कोई चोर चक्का तो नहीं हाँ।
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦੋ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਟਸਐਪ ਦੱਸੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਟੀ ਵਿੰਗ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪੋਸਟ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਦੱਸੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਬਰਾਈਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈਗਾ ਡੇਢ ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ 60-60 ਹਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਜਿਤਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਓ ਅਤੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਡੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਵੜਿੰਗ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀ ਵੀ ਵੇਖਣਗੇ ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਡੀ ਜੇ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਮਨਿਸਟਰ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਪਰ ਫਿਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਸੀ ਫਿਰ ਆਈਟਮ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿਖਾਊਗੀ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਫਿਰ ਪੌੜੀਆਂ ਆਏ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਅਬ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਏ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਨਹੀਂ ਪਰਚਾ ਬਰਾਈਬ ਦਾ ਐਮ ਐਲ ਏ ਆਪਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮ ਐਲ ਏ ਕੋਈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਜਾਓ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਡੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਫਸ ਗਏ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਹੀ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਜਨਤਕ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ ਵੀ ਦਿਓ ਪਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਪੋਚਿੰਗ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਪੋਚਿੰਗ ਕਰੂਗੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਬਤੌਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕਰੋ ਪਰਚਾ ਦਿਓ ਪਰਚਾ ਦਿਓ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 35 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ 18 ਜਿੱਤੇ ਵੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕਰੋ ਪਰਚਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਸ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜੇ 5-4 ਭੱਜ ਵੀ ਗਏ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਗਰ ਚਾਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨਵੇਂ ਰਿਵਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਾਏ ਡਰਾਉਣਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਪੋਚਿੰਗ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਆਪ ਬਣਾਉਣੀ ਜੇ ਕਹਾਣੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਸਾਡੀ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 300 ਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਰ ਗੇਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 3-3 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੇਖੇ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਸਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਏ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਟੀਸਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਕੋਟ ਪਾਵੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨਹੀਂ ਰਚਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨਹੀਂ ਰਚਦੀ ਉਹ ਸੱਚਾਈ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਏ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਲਿਆ ਏ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਟੰਗਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ 354 ਹੋਇਆ
सो ये नंबर जनतक करन, असी यह लड़ाई ये एविडेंस पेश कर, नहीं असी यह लड़ाई इन्हों तो मंग करांगे। हुण ये हो सकदा आने वाले दिनों विधानसभा सैशन बुला लेने इस मुद्दे ते, इस तों बाद इस पासे काम चल पूगा। कोई हिसाब नहीं दे रहा, दवाइया है नहीं हस्पतालां दे विच, किन्ने एमएलए दीआं वीडियोज़ आ गई, किन्ने माजरे आ गए, किन्नियां वीडियोज़ आ गई, किन्नियां वीडियोज़ वायरल हो गई, कोई गल नहीं है। हुण इधर नूं ध्यान कर दिओ भी पोचिंग वाले पासे चलो, दूजा मुद्दा छड़ देंगे। सो मेरी बेनती है सरकार नूं, मुद्दे तो ध्यान ना भटकाओ। इत्थे हज़ार रुपया दिता नहीं, जाके अदर स्टेट दे विच कहता कि असी हज़ार रुपया देता है। सो इस करके अज की जिहड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस असी ये बुलाई है, ता जो जिहड़ा ये झूठां दा पलंदा है, ये लॉटस ऑपरेशन है, ये कोई लॉटस ऑपरेशन नहीं, ये आम आदमी पार्टी का ही ऑपरेशन है, ये आप दी घटी गल है आपस विच। सो अगर है तो मैं थोड़े राही दोबारा फिर रिपीट कर दें कि अगर इन्हां दे बंदे पोचिंग वास्ते कोई होणगे ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਜੋ ਬੱਗੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਦ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਰਾਈਬ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਅਗਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ कि किसी एजेंसी की निरपक्ष जांच अंडर द सुपरविजन ऑफ हाई कोर्ट जज करौन, फिर पता लगे कि वाकई कुछ ये हैगा कि है नहीं। खाली लिफाफा गल करती, हवा च तीर चलाता, केड़ा किसी ने पूछना है? डीजीपी दे साहब ने साम लेना, तुसी डीजीपी साहब नूं पूछोगे की होया, कहणगे इनक्वायरी कर रहे हैं, जांच पड़ताल हो रही है। साढ़े वेले जांच पड़ताल नहीं, उन्होंने वेले जांच पड़ताल। इस करके अज थानू इत्थे सद के मैं समझा कि असी थानू अच्छा एक चड्डा साहब कहिंदे आ, कहिंदे भी कांग्रेस दे जिहड़े बंदे आ पहला कांग्रेस दा बना लैंदे आ ते फिर वो चला जांदा बीजेपी वल। मैं चड्डा साहब नू कहना चाहुंदा आम ये थोड़े दस दें आंकड़े, साडा बंदा नहीं जांदा, आप दा उत्तराखंड दा सीएम कैंडीडेट बीजेपी च जा वड़िया जनाब, आप दा हिमाचल दा चीफ वो बीजेपी जा वड़िया जनाब, आप दा गोवा सीएम कैंडीडेट वो कांग्रेस च आ गया जनाब, कपिल मिश्रा वो भी बीजेपी जा वड़िया जनाब। सो एलओपी साहब इन्हां दे सीगे पंजाब च, साडे खहरा साहब वो भी साडे सत्कारयोग इधर आ गए साहब, किन्ने इन्हां दे एमएलए छड़ के आए। साडा बंदा इन्हां नाल हजे तक ये नहीं आ भी कांग्रेस का बंदा पहला कांग्रेस जिता दिंदी है तो फिर वो बीजेपी जा वड़ेंदा, ऐसा कोई काम नहीं है। लोगों नूं कहानियां ना सुनाओ, धमकी किने दवाई है? नहीं कौन दसिया? नहीं देखो भाई, देखो देखो देखो, मैं थानू ये भी हूँ उस स्क्रिप्ट तो बाद अगली स्क्रिप्ट है, ये कहानी है। तुसी पहला मैनू ये दसो, सिद्धू मूसेवाला साहब इस दुनिया तो साडा भरा चला गया, उन्होंने बाप नू धमकी आई, उन्होंने जग जाहिर की भाई मैनू धमकी आई है, एक आम बंदे ने जिन्हों को सरकार दे विच ने, सता सरकार ने बंदे ने, वह दसन भी मैनू धमकी किदे तो आई है, क्यों यार लोगों नू उलझाने हो तुसी, ये बिल्कुल लोगों नू बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अगर धमकी आई है तो प्लीज़ दसन किहड़े नंबर तो आई है, किने धमकी दिती है ते उन्हां ते कार्रवाई की होंगी? तो जे विधायक आपका धमकी नहीं संभाल सकता
ते फिर वो 1.5 लाख जनता नु की संभालेगा, उन्हें विधायक रहन दे हक नहीं। ये तमाम सारे जिहड़े मुद्दे है साहब पंजाब दी जनता विजिट ऑफ राजपाल NIA की डायरेक्ट रेड रेत एक्साइज रेत ये तमाम मुद्दों से और ये अभी नया नया मुद्दा अपना अपने भाई साहब शरारी साहब यार मैं आपसे झूठ बोलूं आपसे मेरे को पता नहीं मैंने देखा नहीं लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से मेरे को ये पता चलता है कि अभी भी टेलीफोन जारी हैं नशा तस्कर अभी भी काम करते हैं जेलों के अंदर लेकिन मेरे को इस बात का मैंने अपनी आंखों से कुछ देखा नहीं हूँ यार तुसी क्यों डाइवर्ट कर दियो काम हूँ फौजा सिंह शरारी दा जेड़ा काम है वो हूँ मुलाकात तो भाई किसी नाल कोई कर ले थोनू पता ही है कि सरकारां जे चाहुण मैं तो गल ही नहीं कर रहा मैं फिर इत्थे कहना मैनू कोई मतलब नहीं शरारी साहब नाल उन्हूं की करना इन्होंने नहीं करना मैं नहीं कुछ कह रहा तुसी आखोगे PCC प्रधान ये गल क्यों नहीं कह रहा मैं तो ये गल कह रहा कि डबल स्टैंडर्ड क्यों है एक बंदे की ऑडियो ही नहीं लीक हुई है उन्होंने तुम फड़ के अंदर देता है एक बंदे की ऑडियो लीक है तुम कहते चेक करना मैं नहीं कह रहा भी शरारी साहब को फड़ के अंदर दे मैं नहीं कह रहा आई एम नॉट सेइंग दिस मैं की कह रहा हूं डबल स्टैंडर्ड वाई डबल स्टैंडर्ड तो फिर जोड़ा अपना दूजा सी सिंगला साहब वो उन्हें बेचारे की जांच क्यों नहीं की राजे वड़िंग की जांच क्यों नहीं की वो यार हूँ अग्निपथ का फिर गल करा एक सेकंड मैं इनको फिर आपसे 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 हाँ जी भाई मैं हरपाल चीमा ने क्या कहा बाहर मेरे को ये तो पता नहीं लेकिन विधानसभा सत्र में खुद मुख्यमंत्री ने अग्निपथ स्कीम का विरोध किया था उन्होंने कहा था इससे आने वाले दिनों में देश के लोगों को हमारी सुरक्षा को हमारे आर्मी के लोगों को खतरा है देश की सुरक्षा को खतरा है और जो लोग अग्निपथ से ट्रेनिंग लेकर आ जाएंगे कल को जो 4-4 साल की वो आकर इसके बाद वो कंपनियों में काम करेंगे उनको हथियार चलाने आ जाएंगे इससे आने वाले दिनों में पंजाब के अंदर माहौल भी खराब हो सकता है। आज नए संदेश क्या दिए हैं भगवंत मान जी ने मेरे को इस बारे में पता नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। पहले भी वो जब ये एनवायरमेंट वालों ने वहां धरना दिया था मत्तेवाल का भी आ गया था नाम बदल के वहां पर विधानसभा में फिर मत्तेवाल का वो डिसीजन को फिर रोक लिया गया। ये सरकार इस चीज में माहिर है आपका एक स्टैंड होना चाहिए। अभी तक SYL के ऊपर अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाई सरकार। एक बार मान साहब ने खड़े होकर अगर हरियाणा की धरती पर यह कहा होता तो मैं गर्व महसूस करता पंजाब का हर व्यक्ति। जब वो वहां गए कैंपेन में उन्होंने कहा होता कि भाइयों हरियाणा हमारा भाई है हमारे आपस के रिश्ते हैं आपसे प्यार है हरियाणा और पंजाब में कोई फर्क नहीं है लेकिन पानी हमारे पास नहीं है क्योंकि हमें पास पानी नहीं है पीने के लिए हमारे लोग ही अगर भूखे और प्यासे मर जाएंगे तो हम आपको पानी कैसे देंगे। कहां होना चाहिए था ये वो कहते कि हम आपको पानी नहीं दे सकते और कुछ भी लो।
ਕੌਣ चलो नोटिस दी जरूरत नहीं है ब्रदर, वो इस करके जरूरत नहीं है, बाय इलेक्शन लड़िया, बाय इलेक्शन लड़िया। तुसी मैनू दस दिओ भी परमल सिंह खालसा किसे स्टेज ते किसे मंच ते किसे थां ते विखे, सो उदों ही उन्हां नूं कढ दित्ता गया सी। एवें दो होर भी उम्मीदवार सी उन्हां नूं कढ दित्ता गया। नहीं भाई, हमने ये पंजाब के लोगों ने, हमारे नौजवान साथियों ने अग्निपथ स्कीम का विरोध किया था। मैं कौन होता हूं फैसला लेने वाला? मेरे को लगता नहीं, नहीं सरकार रोक रही है। अभी मैंने सुना है कि सरकार ने चिट्ठी भी लिखी है, जो तपिंदर जी ने बताया कि सहयोग कर, मैं कह रहा हूं कि वो ही कह रहा हूं ना आपको कि सरकार ने पहले विधानसभा में कह दिया कि हम इसके खिलाफ हैं। इसके ऊपर बहस हुई यार, आपने देखा होगा, उन्होंने कहा नहीं होगा। अब वो कह रहे हैं कि हम इसका संयोग करेंगे, इनका संयोग करें। दूसरी बात, मैंने तो आर्मी में जाना नहीं है, लेकिन अग्निपथ स्कीम, मैं किसी चीज का विरोध नहीं, मैं जनता के पक्ष की बात करता हूं, आम लोगों की, नौजवानों की। अगर मेरे पंजाब के नौजवान अग्निपथ स्कीम के खिलाफ है तो मैं भी खिलाफ हूं। मैं तो फिर कैसे किसी को, किसी के समर्थन को मैं कैसे रोक सकता हूं? अगर मैं आपको, अगर आप किसी चीज में जाना चाहते हो तो मैं उसको रोक नहीं पाऊंगा। अगर कोई मेरे पंजाब के लोग कहेंगे कि हम इसका विरोध करते हैं, आपको मेरे साथ खड़ा होना पड़ेगा, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन बहुत ही अच्छी स्कीम नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सी खाली जगहें अभी आर्मी में, बहुत सी 2.5 लाख के करीब पोस्ट खाली हैं, पहले उनको पक्की रिक्रूटमेंट दे देनी चाहिए थी, उसके बाद अग्निपथ स्कीम अगर चलाते तो अच्छा रहता। किने? अच्छा यार, मैं थोनू एक सवाल करना चाहता, एक मिनट, मेरा सवाल यह है प्रनीत कौर जी, मैं कहता घर आला आदरणीय कैप्टन अमरिंदर सिंह ते रणिंदर सिंह थोड़े दिन पहला देश के प्रधानमंत्री मिलकर आए हैं, अपनी पार्टी फ्लोट कर ली है। मैडम प्रनीत कौर ने खुलेआम लोगों की मुखालफत की और राजनाथ सिंह के नाल चढ़ के गड्डी ते प्रचार किया। सारी कांग्रेस पार्टी ने यूनैनिमस पंजाब दी ने कहता कि ना, इस कांग्रेस पार्टी का हिस्सा नहीं है, पर फिर भी कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसे करके तो ये हालात हो, उन्होंने सारा परिवार कट्ठा है। तुसी नरेंद्र मोदी जी मिलते हैं, मैं तो हर बंदा सेल्फ रिस्पैक्ट मान सम्मान का, मैं बींग ए औरत, साढ़े सत्कारयोग मेरे मावा समान ने आदरणीय प्रनीत कौर जी, मैं उन्होंने इज्जत कर दें, लेकिन इस तो बाद कुछ बच नहीं जाता, उन्होंने खुद कह देना चाहिए। मैनू, मेरा ख्याल, मैं थोनू कह दिया कि कांग्रेस पवन भाई तेरा कोई जगह नहीं है, तुसी रिपोर्टर होंगे फिर भी नहीं आओगे अंदर, तुसी कहोगे यार जो ये गल कहती, फिर इस तो बाद कोई ज्यादा क्लैरिफिकेशन रोज रोज मैं हूं इस मुद्दे पर की देव। अभी गोवा में क्या हुआ मेरे को नहीं पता, पंजाब की बात कीजिए। अब बात कोई गल, और मैं उन्होंने जिदे मेरा मन कर रहा तो मैं देख लांगा। यार मैं तो कह रहा हूं कि ये मेरे ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है, मैं भी इस पंजाब का निवासी हूं, सरकार हमारी है, हम चुने हुए नुमाइंदे हैं, एमएलए जीते हुए हैं, ये सरकार का काम है जो गवर्नर कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। वहां पर सरकार के लोगों को जाना चाहिए, और वो ये ऐसी नौबत ही क्यों आए कि वहां गवर्नर को जाना पड़े। हाँ तो मैं अभी हर चीज पे रोक लगेगी, लेकिन एक माजराओं पे कोई रोक नहीं है, वो खुला घूमे।
ਸਾਡੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਸੰਭਾਲਣ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨਾ ਲਿਖਦੇ ਫਿਰੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਾਕਈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨਗੇ ਯਾਰ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ 5 ਸਾਲ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਫੜੋ ਫੜਾਈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿਆ। ਅਬ ਯਾਰ ਇਤਨੇ ਸਾਲ ਯਾਰ ਬਤਾਓ, ਟੂਟੇ ਪੜੇ 18 ਮੇਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੂੰ ਫਿਰ ਐਸੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਗਰ PCC ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਮੰਤਰੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾ ਬਿਆਨ ਦੇ, ਉਸਸੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਤਾ। ਆਪ ਬੋਲੋ ਕਿ 18 ਕਾਂਗਰਸ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ।